This video is only for educational purpose. Don't try this method on a stolen phone. Redmi 8A को हार्ड रिसेट करना बताएंगे, कोई भी लॉक हो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो भी लॉक हो। तो यहाँ पे मॉडल मैंने आपको शो कर दिया है गाइस, चलिए इसको जो है ना हार्ड रिसेट करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपके सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसका जो भी पासवर्ड है, पिन है, मुझे पता नहीं है। अभी क्या करेंगे गाइज, फ़ोन को सबसे पहले स्विच ऑफ कर लेंगे गाइज। स्विच ऑफ करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे कुछ बटन प्रेस करना हो। देखिए यहाँ पे कौन कौन बटन प्रेस करना है, कैसे करना है ये बता दो आपको। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम प्लस और पावर की दोनों को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो अभी गाइज एक हाथ से हम शूट कर रहे हैं तो मुझे प्रेस करने में थोड़ा परेशानी होगा, आपको एक साथ दोनों बटन को प्रेस करना है, ठीक है, वॉल्यूम अप और पावर की को। चलिए हम प्रेस कर दिए। यहाँ पर प्रेस करने के बाद गाइज थोड़ा देर होल्ड रखना है आपको, ठीक है। होल्ड रखने के बाद जैसे ही आपको लोगो दिखे पावर की को छोड़ देना है, यानी कि जिससे आप स्विच ऑफ ऑन कर देना उस की को छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। रिलीज करने के बाद गाइज थोड़ा देर वेट करना है जब तक रिकवरी मोड नहीं आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आ गया है। यहाँ पर गाइज क्या करना है आपको, वाइप डाटा पे आना है, ठीक है। वाइप डाटा पे आने के बाद पावर की से सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर वॉल्यूम डाउन से आपको वाइप ऑल डाटा पे क्लिक करना है और कन्फर्म करना है, एंड इसके बाद पावर की फिर से प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए वाइपिंग देख सकते हैं, डाटा वाइप सक्सेसफुली। तो यहाँ पे डाटा वाइप सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसके बाद बैक टू रिटर्न करेंगे और रिबूट कर देंगे फ़ोन को। रिबूट करने के बाद सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने फ़ोन का सेटअप कंप्लीट कर लेंगे। कैसे करना है वो भी इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको, और आगे एक और लॉक फंस सकता है आपको, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से देख लेगा लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, सुझाव हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। गाइज ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप इससे चोरी किए हुए फ़ोन पे ट्राई मत कीजिएगा इस मेथड को। तो चलिए यहाँ पर सेटअप फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए हमने जो भी यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट करना है। यहाँ पर देखिए एरो, चलिए ऊपर स्क्रॉल करके एक्सेप्ट करना है और यहाँ से एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करना है। चलिए स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर फिर स्किप करेंगे, चलिए यहाँ पे स्किप कर दिए। इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इसको भी स्किप करेंगे, एंड इसके बाद इसको नेक्स्ट करके एग्री कर देंगे। चलिए एग्री पे क्लिक किए। इसके बाद क्लासिक रहने देंगे और यहाँ पे जो भी रख सकते हो, ठीक है, हम क्लासिक रहने देते हैं और यहाँ पर करते हैं फिर से नेक्स्ट, एंड इसके बाद सेटअप कम्प्लीट एरो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा देर टाइम लगेगा और आपका जो है ना सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। गाइज यहाँ पे एक लॉक आपका और फंस सकता है, तो उस लॉक को जो है ना ईमेल आईडी लॉक कह सकते हो, गूगल अकाउंट लॉक कह सकते हो, या फिर आप उसको जो है ना एफआरपी लॉक कह सकते हो, ठीक है। गाइज आपकी भाषा में मैंने आपको तीनों चीज़ समझा दिया, तो उसको कैसे बाईपास करना है। अभी देखिए लोडिंग ऐप्स हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ज़रूर दबा लीजिए। यहाँ पे देखिए सेटअप कंप्लीट होते ही यहाँ पे देखिए नॉट साइन इन, यहाँ पे जब तक हम साइन इन नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं भेजेगा, यानी कि जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपने पहले दिया है वही डालिए, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन हो जाएगा। नहीं पता है तो आपको एफआरपी रिमूव करना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में जाकर वीडियो देख लीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।